मन मना भव मद भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मुझमे मन वाला हो मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला हो मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझमे नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको प्राप्त हो जाएगा। तो सभी मनुष्यों की एक ही गति है परमात्मा को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना। तो उसका पहला ही सिद्धांत है कि कर्ता और कर्म को, कर्म और कर्म के फल को, सब कुछ ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। कर्ता अर्पित है तो भोक्ता भी अर्पित है, कर्ता अगर हम नहीं तो भोक्ता भी हम। तो अर्पण करने में क्या दिक्कत है, रात को आओ सो जाओ 5 मिनट 10 मिनट ईश्वर को दो, उसको बोल देख मैं ये किया सुबह से, मेरे से अच्छा भी हुआ मेरे से बुरा भी हुआ, पर मैंने तो नहीं किया। बुद्धि तो तू ही दे रहा है, तो तेरा ही है, तूने किया ना, क्योंकि बुद्धि दाता तू है, मैं तो हूं नहीं, बुद्धि तो वही दे रहा है। तो ये वो कोशिश करूंगा कि कल को ऐसा ना हो, पर ठीक है जो भी है तू निपट ले, सब मैं तुझे अर्पित करके मैं निश्चिंत होकर सोता हूँ। ऐसा करने में देखो आप करके देखो, बड़ा आनंद आएगा, निश्चिंत होकर सोओगे। अभी तो लोग सोते हैं तो आधे से ऊपर तो लोगों का दिमाग में विचार ही विचार चलते रहते हैं, साउंड स्लीप, नींद ही नहीं आती, दिमाग खोपड़ी घूमती रहती है। सपने तो सपनों की जगह पर, सपने तो पहले लोगों को आते ही कम थे, अब तो ढेर सारे सपने आते, सपने तो सपनों की जगह पर है पर अपने दिमाग चलता ही रहता है, ऐसे लगता है सोया ही नहीं। सुबह उठो तब भी नींद नहीं आई रात को, अरे सोने के लिए सोए थे, नींद क्यों नहीं, नींद नहीं आई तो भजन करते उठ के, वो क्यों नहीं किया, सुबह अपनी 12:30 की शक्ल दूसरों को दिखाने के लिए नहीं सोए, तो नींद ही नहीं आई। सुबह उठते सिर में दर्द हो रहा, अरे सुबह उठ के भगवान का नाम ले रहे, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, इसमें दर्द है, सुबह उठो एकदम, हे परमात्मा है व्यापक तेरी शक्ति मुझ में काम, तू मेरे भीतर है मैं तेरा हूँ तू मेरा, ऐसे करके प्रसन्न हो। रात को पूरी रात नींद ही नहीं आई, ला चाय तो पिला, नींद ही नहीं आई रात को, तो नींद नहीं आई तो उठ के बैठ जाता था भजन करता। सुनाना क्या जरूरी है किसी को, नींद नहीं आई तो अपना सिर फोड़, नींद नहीं आई उसका दिमाग क्यों खराब कर रहा, सही है कि नहीं। तो खैर तो अर्पित कर लो, आप टेंशन से मुक्त हो जाओ तो बढ़िया नींद आ जाएगी, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ वैसे, ऐसे होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए था, उसकी सृष्टि में कुछ भी गलत नहीं हो रहा, जो है सब बढ़िया है।